कानपुर के चमनगंज स्थित टेंडर फुट मॉडल स्कूल में इशरत जफर फाउंडेशन के तत्वाधान में बुजुर्ग शायर मुईद बेताब की नातों की पुस्तक फिजाए रहमत का विमोचन किया गया। इस मौके पर सोशल डिस्टेंसिंग का खास ध्यान रखा गया। इस मौके पर मौजूद कई शायरों ने अपनी प्रस्तुतियां भी दी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हबीबुर रहमान जाफरी थे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता शायर फतेहपुरी ने की। मैं मोहम्मद अजहर सिद्दीकी इशरत जफर फाउंडेशन का सदस्य हूँ, यानी अध्यक्ष हूँ। और को, ये जी कोविड-19 काल में कार्यक्रम किया है, तो मतलब किसकी क्या क्या ध्यान रखा है, क्या क्या इसमें हम लोगों ने 20 लोगों को बुलाया है इस प्रोग्राम में, और कोविड-19 के लिए जो भी सैनिटाइजर्स हैं और मास्क वगैरह का सबका ख्याल रखा गया है जी। क्या क्या उद्देश्य था कार्यक्रम का? ये उद्देश्य है कि ये इशरत जफर साहब की बहुत किताबें हैं जो मानवता के लिए हैं। मतलब वो बताते हैं कि जो दुनिया की तमाम चीज़ें हैं, सबसे हमारा रिश्ता है इंसान का। उन्होंने अपनी जो है किताबों में, पुस्तकों में, शायरी में और नावलों में यही बताया है। और उनकी बात सार्वभौमिक है, जो पूरी दुनिया में जो है उनके पूरी दुनिया की मतलब मानते हैं लोग। हाँ, मानते हैं, पढ़ते हैं लोग जो है। तो ठीक है, क्या कार्यक्रम कर रहे हैं? यह दरअसल इशरत जफर एक इंटरनेशनल हैसियत के अदीब यानी साहित्यकार थे, और उनके भी पिछले 16 अक्टूबर 2019 को उनका डेथ हो गई थी। उनके नाम पर इशरत जफर फाउंडेशन कायम किया गया है, और हम और मिस्टर अजहर सिद्दीकी उसके इस फाउंडेशन के सदर यानी अध्यक्ष हैं, और मैं जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद जावेद साहिल हूँ। और ये फाउंडेशन सिर्फ ये काम कर रहा है कि इशरत जफर ने जो अपने पीछे लिखी हुई किताबें छोड़ी हैं उनको छपवाना और मंजर आम तक पहुंचाना, लोगों तक उन किताबों को पहुंचाना। दूसरा, जो नौजवान साहित्यकार जो अभी जन्म ले रहे हैं साहित्य की दुनिया में, उनको आगे बढ़ाना। प्लस आज का जो कार्यक्रम है वो नातिया एक संकलन है कविताओं का, काव्य संकलन है, काव्य संग्रह है, जो नातिया मजमुआ है उर्दू में जिसको कहते हैं, वो मोहित बेताब साहब का नातिया मजमुआ। मोहित बेताब साहब क्योंकि इशरत जफर के गहरे दोस्तों में थे, इसलिए इशरत जफर फाउंडेशन ने अपना पहला प्रोग्राम, ये मेरा पहला प्रोग्राम है जो उनके दोस्त से ही नातिया मजमुए की विमोचन यानी रस्म इजरा के रूप में किया है।